आपको पता है ना लाइफ में सबसे ज्यादा टैक्सिंग सिचुएशन क्या होती है? लाइफ में टैक्सेस भरना. पर 94.3 एफएम सुनने पर कोई टैक्स नहीं है बॉस. 94.3 एफएम आप सुन रहे हैं मेरे ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ माय मनी गुरु के साथ, विच इज ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. एंड यस, मेरे साथ हैं एज यूजुअल द वेरी गुड लुकिंग, द वेरी हैंडसम को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया, नटी. वेलकम नटी टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माय मनी गुरु. इट्स ग्रेट मीनाक्षी टू बी हियर विद यू. अरे इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी विद यू. और मैं अगर ये कहूँ नटी की हमारी जिंदगी इंडिया में लाइक कंप्लीटली टैक्स्ड है. सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, मतलब शुक्र है बोलने पे टैक्स नहीं है, नहीं तो मैं सबसे गरीब इंसान होती दुनिया की. बट मतलब इतने सारे एक्स्ट्रा टैक्सेस. मीनाक्षी, लेट मी पुट इट अ डिफरेंट वे. आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? लेट्स से आई विल गिव यू एग्जांपल, BMW, ओके, मर्सिडीज एंड जगुआर. जगुआर ऑब्वियसली. लेट्स से जो जगुआर का सबसे बेसिक मॉडल है, जो स्टार्टिंग मॉडल है, वो 61 लाख का ऑन रोड पड़ता है. अगर मैं उसमें से टैक्सेस निकाल दूं, तो वो जगुआर आपको 18 लाख की मिलेगी. क्या बात कर रहे हो नटी, 60 लाख की गाड़ी मुझे 18 लाख में मिलेगी बिना टैक्सेस के? तो देखिए ना, जगुआर के ऊपर आपको 125% कस्टम टैक्स लगता है. ओके. उसके बाद आपको अपना काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है. उसके बाद आपको उसके ऊपर सेस लगता है, एडिशनल काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती है. सिर्फ यही मिलाकर आपका 175% टैक्स बनता है. अगर आप इसके ऊपर अपना 12.36% आपका सर्विस टैक्स ऐड कर दो, और उसके ऊपर आप 8% रोड टैक्स ऐड कर दीजिए, तो आपका करीब 231% सिर्फ टैक्स है गाड़ी के ऊपर. अच्छा, तो नटी इसका मतलब ये कि जो अगर मैंने 45 लाख का लोन अगर जगुआर खरीदने के लिए लिया, तो मैंने जो भी सारा एक्स्ट्रा ये लोन लिया है, ये मैंने टैक्सेस भरने के लिए लिया है. दैट्स राइट मीनाक्षी. दैट्स सो बैड. अब टैक्सेस से तो हम बच नहीं सकते, पर मेरे जैसे इन्वेस्टर्स, और यस आप जैसे इन्वेस्टर्स जो इस समय 94.3 एफएम सुन रहे हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि कहाँ करें, और अगर इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए तो फिर क्या बात है और कैसे करें, ये पता करेंगे हम थोड़ी देर में. और ज्यादा जानकारी और पर्सनल एडवाइस के लिए आप SMS भी कर सकते हैं. MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG दैट इज माई मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर. सुनते रहिए 94.3 MyFM पे हमारा टैक्स स्पेशल माई मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया, मेरे यानी RJ मीनाक्षी के साथ. जियो दिल से 94.3 MyFM पे ऑसम वाले गाने आप सुन रहे हैं, जिन्हें सुनने पे कोई टैक्स नहीं है, थैंक गॉड. सुन रहे हैं आप माय मनी गुरु, विच इज ब्रॉट टू बाय फिनवेजिया, मेरे यानी RJ मीनाक्षी के साथ. एंड मेरे साथ हैं को फाउंडर ऑफ फिनवेजिया नटी. और हम बात कर रहे थे कि इंडिया में हम एक्चुअली कितने ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस देते हैं, क्या उन टैक्सेस से हम बच सकते हैं? एक्चुअली नटी, हमें ये बताइए कि आप मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं पर कहाँ करें वो पता नहीं, और इसके अलावा क्या कोई आप ऐसा ऑप्शन बता सकते हैं कि जहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा टैक्स भी बचे? मीनाक्षी, जैसे आपने बोला कि आपने अभी तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया, और वैसे भी हम टैक्स सीजन में हैं, जहाँ पर आज की डेट में हमारे सारे लिसनर्स स्क्रैबल अपॉन करते हैं कि हम LIC इंश्योरेंस पॉलिसी लिए, क्या लें हम टैक्स बचाने के लिए. हमारे ऑफिस में सब भाग रहे हैं इस समय, कहाँ लें, FD में करें, म्यूचुअल फंड में करें. जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना एक स्कीम लॉन्च की थी, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, जो बोलता है कि आप जैसे इन्वेस्टर जिसने आज तक कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, आपको अप टू 50,000 रुपीज का, अगर आप पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, आपको 50,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा. और सिर्फ वो ही नहीं, अगर आप अपने उस इन्वेस्टमेंट को इफ यू होल्ड इट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो आपको उसके ऊपर कोई भी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. और साथ में आपको जो भी डिविडेंड्स मिलते हैं, वो डिविडेंड्स भी आपके टैक्स फ्री होंगे. तो इफ यू हैव नेवर इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड यू आर लुकिंग टू फाइंड अ राइट अपॉर्चुनिटी टू सेव टैक्सेस, आई वुड से दिस इज वन थिंग यू कैन कंसीडर. अमेजिंग, मतलब बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आपको इतना सॉलिड वाला टिप मिल गया है, अमेजिंग. चलिए, अच्छा नटी, ग्रेट. ये बात तो हो गई कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नए हैं इस फील्ड में, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? बट उन इन्वेस्टर्स को आप क्या एडवाइस देंगे जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है? आप भी जानना चाहते हैं तो सुनेगा थोड़ी देर में. और ज्यादा जानकारी और पर्सनल एडवाइस के लिए आप SMS भी कर सकते हैं. MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG दैट इज माई मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर. सुनते रहिए 94.3 MyFM पर बेस्ट वाले सॉन्ग्स, जिन पर अगेन कोई टैक्स नहीं है. 94.3 MyFM पर सुनते रहिए माई मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया. जियो दिल से 94.3 MyFM पर जरा मुस्कुराइए.
क्योंकि उस पे कोई टैक्स नहीं है। माय फिल्म पर संडे की शाम, माय मनी गुरु है इस शो का नाम, विच इज ब्रॉट यू बाय फिनवेजिया। और मेरे साथ हैं फिनवेजिया के को-फाउंडर नैटी। अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो आपने अमेजिंग अमेजिंग स्कीम्स बताई, जैसे कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम, अमेजिंग, मुझे भी आज पहली बार पता चली है। वैसे तो मुझे सब कुछ आपके साथ पहली बार पता चल रहा है, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे नैटी आप, जो इन्वेस्टर्स मार्केट में पहले ही इन्वेस्ट करते रहते हैं, पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मीनाक्षी देखिए, आप एक पैसिव इन्वेस्टर किन चीजों में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, या फिर स्टॉक मार्केट में? ये तीन चीजें मेनली हैं। रियल एस्टेट में आपको कम से कम अपनी रियल एस्टेट को 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद आपको 20% टैक्स लगता है, अदरवाइज आपको 30% या जो आपका टैक्स ब्रैकेट है। वैसे ही गोल्ड में आप कम से कम 3 साल होल्ड करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल होल्डिंग के बाद आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसका मतलब आपने अगर आज कोई स्टॉक खरीदा, 1 साल के बाद आप उसे बेचते हो तो आपको उसके ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। नाउ थिंक ऑफ इट, अगर आप एक पैसिव इन्वेस्टर ही हो, आपको सब में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में गोल्ड का ETF मिलता है। गोल्ड ETF, राइट। अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉपर्टी के स्टॉक्स मिलते हैं, जैसे आपने मान लीजिए DLF बाय कर लिया। इस तरह से भी सोचिए, आपको प्रॉपर्टी में एक्सपोजर चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास 50 लाख रुपया नहीं है, आपके 50,000 रुपए है, आपने DLF का स्टॉक खरीद लिया तो आपको उसका एक्सपोजर मिल गया, और उसमें 1 साल के बाद जो एप्रिसिएशन होगी उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर प्रॉपर्टी के प्राइसेस राइज करते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी के फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो DLF को भी बेनिफिट देंगे, जिससे आपका स्टॉक भी अप्रिशिएट करेगा। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेंड योर इन्वेस्टमेंट्स दैट विल हेल्प यू इन सेविंग टैक्सेस। एब्सोल्युटली अमेजिंग, जैसे मैंने कहा बिल्कुल नई बातें हमें पता चल रही है। वैसे ये बात हुई इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हो तो क्या करे और क्या क्या फायदा होता है उससे, ये हम पता करेंगे थोड़ी देर में। और ज्यादा जानकारी और पर्सनल एडवाइस के लिए आप SMS भी कर सकते हैं, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG दैट इज माय मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। आप सुनते रहिए 94.3 माय FM पर माय मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया, RJ मीनाक्षी के साथ जियो दिल से। आज आप जिससे भी प्यार करते हो ना, आज उसे कह दो आई लव यू, क्योंकि इसमें कोई टैक्स नहीं है। 94.3 माय FM पर आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु, ब्रॉट टू यू बाय फिनवेजिया। और हम यहाँ पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि नए इन्वेस्टर हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और टैक्स भी कैसे बचाना चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो क्या करना चाहिए। ओके नाटी, मुझे ये बताइए कि इंडिया में अगर इतने ज्यादा टैक्सेस हैं तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? मीनाक्षी, इंटरनेशनल मार्केट्स जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं उनमें टैक्स रिजीम्स काफी ज्यादा फेवरेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो, आपने कोई स्टॉक खरीदा तो आपको 0.12% टैक्स पे करना पड़ता है ट्रांजेक्शन का, ऑन टॉप ऑफ द इनकम टैक्स और जो अदर टैक्सेस आप पे करते हो। अगर आप सिंपल सी एग्जांपल लीजिए, एक एक्टिव इन्वेस्टर जो हफ्ते में 5 बार कुछ स्टॉक खरीदता या बेचता है, वो एक पूरे साल में ऑन टॉप ऑफ द अदर प्रॉफिट टैक्सेस वो 30% स्टैम्प ड्यूटी पे करता है इंडिया में। अगर आप यही इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, कोई STT नहीं लगती। इवन अगर आप US की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो US की स्टॉक मार्केट में आपको US गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं करती, क्योंकि आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हो। ये तो फायदे ही फायदे हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो ठीक है, पर इंटरनेशनल स्टॉक्स के बारे में मालूम किसको है? मीनाक्षी, यू डोंट रियली नीड टू नो अबाउट इंटरनेशनल स्टॉक्स इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि इंडिया के स्टॉक्स इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। टॉक अबाउट ICICI बैंक, HDFC बैंक, स्टरलाइट, डॉक्टर रेड्डी, निफ्टी, इवन वो सब कुछ इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। और दिस इज अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम। एवरी इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अप टू $75,000 पर ईयर इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स। आप उसमें एक्टिव ट्रेडिंग कीजिए या पैसिव ट्रेडिंग कीजिए। इतनी नई नई चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं। वेल, और बहुत मन कर रहा है हमारा कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन यस, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। आज तो बहुत सारी बातचीत हुई, बट मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं आज बहुत सारी चीजें सीखी हूं, बट मैं हमेशा जानना चाहती हूं, आई थिंक मेरे हमारे लिसनर्स की बहुत सारी क्वेरी आ रही है नाटी, कि स्टॉक मार्केट्स में हम इन्वेस्ट कैसे करें और क्या क्या रिस्क हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या हॉट टिप्स हैं। तो इस बारे में हमें बात करनी पड़ेगी अगले हफ्ते। ज्यादा जानकारी और पर्सनल एडवाइस के लिए आप SMS भी कर सकते हैं, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG दैट इज माय मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। सुनते रहिए 94.3 FM पर ऑसम वाले गाने, जैसे मैंने कहा उनपे कोई टैक्स नहीं है। जियो दिल से। क्या बात है, ये भी सीख गए आप।